पिठुरी सतुआ कहिए तो नयका लड़का के बउआ खाता न हम न कहो सतुआ हम खाइए। मेरे साथ एक सीन होता है हर बार जब भी हम ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब ट्रेन से उतरते तब भी लगता है ट्रेन चल ही रहा है। स्पून है जो कि टूटा हुआ है। गाइस यहाँ का वॉशरूम दिखा देता हूँ कैसा होता है, वेस्टर्न टॉयलेट वगैरह कैसा होता है दिखा देता हूँ। क्या कर रहा है, ट्रेन सुसु कर रहा है। सो हेलो गाइस, जैसे लोग में आपका स्वागत है। सो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं पटना से मुंबई। हमारे कुछ फैमिली रिलेशन में कोई है जिनका शादी है, तो उसी रिगार्डिंग से हम लोग जा रहे हैं और बाकी घूमने घूमने के पर्पज से जा रहे हैं। तो आज हम लोग का ट्रेन आज है 27 मई और आज ट्रेन का टाइमिंग है 11:55 समथिंग कुछ टाइमिंग है। ट्रेन है लोकमान्य तिलक करके कोई है ट्रेन पटना जंक्शन पर, 4 प्लेटफॉर्म 4 पर आएगा और यहाँ से चलते हैं पहले। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, जंक्शन पहुँचने वाले हैं यहाँ भटेचाड़े रोड में। हवा वाई से ज़्यादा क्योंकि ओला मिला नहीं और हम लोग को जल्दबाजी है, 10 मिनट में ट्रेन आने वाला है। जंक्शन पहुँच कर मिलते हैं। सो गाइस हम लोग फाइनली जंक्शन पहुँच गए हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे हेडेक हो गया है, बहुत ज़्यादा बैठने वगैरह में सेट करने में बहुत दिक्कत हो गई। देखते हैं क्या है ट्रेन वगैरह में। गाइस यही है बोगी वगैरह, देख लो बाहर यहाँ से निकल गए। सब सेटअप हो रहा है अभी, ब्लैंकेट आ चुका है। अभी ब्लैंकेट है सारा, अभी देखो। हाँ जी गाइस शुभलाभ में आपका स्वागत है। मॉर्निंग हो चुका है और तबीयत सही नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और ये रेल वाला है कुछ है दिखाता है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है, तबीयत सही नहीं लग रहा है। इंडियन रेलवे वाला अच्छा है, देखो बड़ी कल रात पूरा जगह सोया यार, देखो बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। सो गाइस अभी डभौरा निकला रुका है ट्रेन, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था यार, बाहर आ चुके हैं बहुत ज़्यादा और 3rd AC ट्रेन था इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। अभी कोई डभौरा करके कोई जगह है वहीं पे रुका है ट्रेन, देखते हैं यार चलते हैं, यहाँ पे कुछ है नहीं। और ट्रेन में यार इतना घटिया चाय दिया कि क्या बोले, मूड ऑफ हो गया पूरा चाय पी के, लग रहा था कोई टट्टी है एकदम घटिया चाय। चलते हैं अंदर वरना ट्रेन वगैरह खुल जाएगा। गाइस फाइनली ट्रेन स्टार्ट हो चुका है। गाइस हम लोग ऐसा ट्रेन पकड़ चुके हैं जो बहुत ज्यादा जंक्शन पे रुकता है, मतलब हर जंक्शन पे ट्रेन रुकता ही रुकता है, इसलिए सही ट्रेन। गाइस जो टावर आ रहा था वो भी चला गया, इतना घटिया कंबल है क्या बोले, एक ये कंबल दिया है और ये 2 चादर और एक पिल्लो कवर पिल्लो दिया है। हम ऐसे बैठे हुए दब के, हम जल्दी ट्रेन में सफ़र करते नहीं हैं क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है ट्रेन वगैरह में और एक्सपीरियंस बहुत घटी है, पता नहीं क्यों अकेले हैं इसीलिए। मम्मी पापा लोग का तो फ्रेंड लोग भी साथ में, अब क्या करें अकेले ऊपर बैठे हुए ऐसे दम हो रहे हैं। कल रात से इसी के साथ बॉक्सिंग खेल रहे हैं और ये शायद कोई लाइट है। ये एसी का सेक्शन है दोनों, ये इधर से अगर कुछ इशू आता है तो टेक्निकल इशू आया तो इधर से ये खोलता है, वहाँ से भी खोलेगा वहाँ से भी खोलेगा, पूरा ओपन हो जाता है ये। गाइस फिर से ट्रेन रुका है मंज घावा करके कोई प्लेस है, अभी रेड सिग्नल है दिख रहा होगा शायद आप लोग को, पता नहीं, पर यहाँ जहाँ भी ये सब ट्रेन रुक रहा है बहुत अच्छा लोकेशन है यार, यहाँ का बहुत तगड़ा लोकेशन लग रहा है।
और अब बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पहले बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, क्या बोले यार। मेरी आउटफिट में निकल गए ट्राउज़र, क्रॉक्स एंड हुडी, क्या कि जीन्स वगैरह पहन के कंफर्टेबल फील नहीं होता यहाँ पे ट्रेन वगैरह में सफ़र करना, इस वजह से। गाइस अभी 10:50 में ट्रेन कल उतरने वाला है, पूरा दिन पता नहीं क्या करेंगे। मेरे साथ एक सीन होता है हर बार जब भी हम ट्रेन में चढ़ते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मतलब ट्रेन से उतरते तब भी लगता है ट्रेन चल ही रहा है, ऐसा होता है। मतलब ज़्यादातर ट्रेन में सफ़र करने के बाद ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा धूप है यार, बहुत ज़्यादा अब गर्मी लग रहा है, पहले बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था यार। सच में पहाड़ी इलाका का व्यू देखो यार, बड़ा तगड़ा लग रहा है यार, पहाड़ी इलाका का व्यू, पहाड़ टाइप का यहाँ का पूरा व्यू बड़ा तगड़ा है। पता नहीं क्या है, पहाड़ी है शायद, जंगली टाइप का, बट बहुत अच्छा लग रहा है। ये अभी इसका बैग है ट्रेन का, कैसा खाना का टेस्ट वगैरह। सो गाइस खाना आ चुका है फाइनली, रोटी है जो कि हम खाते नहीं हैं, और चावल है, पनीर है, शाही पनीर है शायद, दाल है, पिकल्स है, एंड आई थिंक सब्जी है कोई चीज़ का, देखते हैं कैसा टेस्ट वगैरह, बताते हैं कैसा है। स्पून है जो कि टूटा हुआ है, चावल है और दाल काफ़ी थिक है, एंड पनीर लग रहा है, सब ग्रेवी डाल दी ऊपर से कट करके, छोटा छोटा पनीर डाल दिया, एंड आलू की सब्जी, आलू को सब्जी, एंड ये पिकल्स है। बाकी टेस्ट कैसा है वो खाने के बाद पता चलेगा, बताते हैं खा के कैसा है टेस्ट। एवरेज है, कुछ खास नहीं है बट एवरेज है, और बाकी ट्रेन में क्या ही चाहिए। गाइस व्यू देखो यहाँ का, पहले अभी बहुत गंदा तूफान आंधी आया था अभी, ये श्रीधाम करके कोई प्लेस है यहाँ पे, अभी ये जंक्शन पे रुका है, अभी बारिश होने वाला बहुत तगड़ा व्यू। फिर से कोई जंक्शन नरसिंहपुर।
गाइस यहाँ का वॉशरूम दिखा देता हूँ कैसा होता है। यहाँ पे एक खिड़की है जहाँ से तगड़ा व्यू आता है, देख सकते हैं। और वॉश बेसिन है यहाँ पे, हैंड वॉश है, एंड इस टाइप का ये इंडियन वाला है और इसके बगल में वेस्टर्न वाला है और ये फ्लश है। और हो गया, बाथरूम का रिव्यू कैसा था कमेंट में बता देना। बड़ा मज़ा आ रहा है, यहाँ का व्यू भी बड़ा तगड़ा तगड़ा व्यू है। और अभी थोड़ा देर रुका है ट्रेन, उसके बाद चलते हैं मालगाड़ी। एक चीज़ आ रहा है, देखते हैं क्या होता है। ये क्या कर रहा है, ट्रेन सुसु कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, हमको तो मालूम नहीं है क्या है। गुड मॉर्निंग, सुबह हो गया, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था। 10 बज चुका है अभी और 10:55 पे ट्रेन रुक जाएगा मुंबई पे, ठीक है। काफ़ी मज़ा आया ट्रेन वाले सफ़र में और शाम वाले टाइम में ज़्यादा मज़ा आया। बस थोड़े देर में मुंबई पहुंच जाएंगे, व्यू दिखाते हैं सुबह का। फाइनली हम लोग थाने पहुंच चुके हैं जंक्शन, और यहां से हम लोग निकलते हैं क्या बोलते हैं नाला सुपारा साइड के लिए, और ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओला बुक कर रहे हैं हम लोग जगह। ये जो भेजा है ना, ऑटो वगैरह मिल नहीं रहे। राज दर्शन सोसाइटी थाने, चलो कंफर्म। हमें जाना है द कैपिटल मॉल में, इसलिए हम लोग ओला बुक कर रहे हैं, SUV प्राइम।